ओके जी, सो हम अपनी लास्ट एक्टिविटी पे थे और हम इस लास्ट एक्टिविटी को करेंगे और देन हम मूव ऑन करेंगे अपने इडियम्स पे, जो हम आपको पता है हमारी मैंडेटरी एक्टिविटी है उसको करेंगे। सो लेट्स सी आज की इस मीटिंग से क्या कुछ समझा, क्या कुछ नया मिला आपको। उसके लिए आपको मुकम्मल करना पड़ेगा इस छोटी सी एक्टिविटी को, इस स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। अब आपने सारी चीजें जो नोटबुक्स है ना, अब आप अपने सामने वो बंद कर दीजिए, जरा आरजी तौर पे बंद कर दीजिए अपने जो सामने नोटबुक्स हैं, जो चीजें आपने लिखी हैं उनको बंद कर दीजिए। अब सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करने का टाइम है। अब देखते हैं कि आज के सेशन में समझा क्या आपको, कि समझ क्या आया। सो आई एम श्योर कि आपने अपनी नोटबुक्स बंद कर दी हैं, अगर नहीं भी की तो चीटिंग नहीं करनी आपने, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह। सो मूविंग ऑन रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैचेस द रीडर्स। क्या आएगा यहाँ पे, आई से शुरू होता है कुछ, रीडर्स क्या कैच करता है, रीडर्स का, रीडर्स इंक कैच कर लेता है, या रीडर्स इंक पैड कैच कर लेता है, या कुछ और कैच कर लेता है। नहीं, आई से शुरू होगा। अच्छा जी, इंटेंशंस, इंट्रोडक्शंस, वेरी गुड मैमूना, इंटरेस्ट, अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैचेस द रीडर्स इंटरेस्ट। सो इट कैन डू दिस By including interesting, फिर से शुरू होता है, so interesting facts, very good, a personal, और S से शुरू होता है, a personal, क्या हो सकता है यहाँ पे, एक फैक्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, a personal क्या कर सकते हैं, S से शुरू होता है, कुछ S से शुरू होता है, a personal क्या हो सकता है, S से जो शुरू होने वाला, कि आप जो है वो इंट्रोडक्शन जो है इंटरेस्ट करेगा, उसमें आपका फैक्ट हो सकता है, अ पर्सनल स्टोरी हो सकती है, वेरी गुड, आर एन इंटरेस्टिंग, क्यू से शुरू होता है, कोटेशन, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग कोटेशन हो सकती है उसमें, वेरी गुड। अब आपको पता चल गया एक अच्छा जो इंट्रोडक्शन है, अब आपको ये यहाँ पे चार चीजें पता चल गई। जब भी आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, सबसे पहले वो क्या करना चाहिए, उसको कैच करना चाहिए रीडर्स इंटरेस्ट। अगर आपका नहीं कर रहा तो इट मींस कि वो अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है। दूसरे नंबर पे उसके अंदर फैक्ट्स होने चाहिए, या उसके अंदर पर्सनल स्टोरी होने चाहिए, या कोटेशन होने चाहिए। ओके, इट ऑल्सो गिव्स द जनरल टी, टी से कुछ शुरू हो रहा है जी, जनरल टी ऑफ द एसे, इट ऑल्सो गिव्स द जनरल टी ऑफ द एसे। सो जनरल, ये कुछ ऐसा देता है एसे का, जनरल, इट ऑल्सो गिव्स द जनरल थीम ऑफ द एसे, थीसिस स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट, ओके, इट ऑल्सो गिव्स द जनरल, शायद अभी भी हम करीब करीब हैं, टेक्निक ऑफ द एसे, आई थिंक ये कुछ और देता है, कुछ वो बात करता है आपका इंट्रोडक्शन, जनरल थीसिस स्टेटमेंट तो उसका पार्ट होता है ना, लेकिन कुछ और वो बात करता है। टी से और कुछ क्या शुरू हो सकता है आपके ख्याल में, जिसके ऑफ द एसे, टी ऑफ द एसे, इट आल्सो गिव्स अ जनरल टी ऑफ द एसे, सो टैक्टिक्स ऑफ द एसे, ओके, वंस अगेन, ओके जी, इट आल्सो गिव्स द जनरल टॉपिक ऑफ द एसे, ओके, सेवरल सेंटेंसेस ऑफ डैश अबाउट द टॉपिक। अब ये देखना, टॉपिक यहाँ पे आएगा, पहले टॉपिक आया, फिर इसे उसने यूज किया, सेवरल सेंटेंसेस ऑफ, ये यहाँ पे क्या आएगा, अबाउट द टॉपिक, सेवरल सेंटेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक है, मेमुना, वेल डन, इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, एंड ऑल्सो स्टेट द, यहाँ पे कुछ आएगा जो आप पहले लिख रहे थे, एंड ऑल्सो स्टेट द, टी से दोबारा शुरू हो रहा है, थीसिस स्टेटमेंट, वेरी गुड, यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट आएगा। सो ये असूल दोबारा से याद करेंगे, इंट्रोडक्शन जब भी लिखेंगे ऐसे का, रीडर्स का इंटरेस्ट होगा उसके अंदर, उसमें जो है वो फैक्ट्स होने चाहिए आपके पास जो है वो, उसके अंदर पर्सनल जो है वो स्टेटमेंट हो सकती है, कोटेशन हो सकती है, और उसको जो थीसिस की, जो आपके ऐसे का टॉपिक है उसके बारे में वो बात करेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देगा, और थीसिस स्टेटमेंट पे बात करेगा। अब कंक्लूजन पे बात करते हैं, एक कंक्लूजन, एस द मेन पॉइंट्स ऑफ द एस, सो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे क्या शुरू हो रहा है,
एक कंक्लूजन जो है वो समराइज, वेरी गुड, जवीरिया का सबसे पहले आंसर समराइज करता है द मेन पॉइंट ऑफ द एसे. इट ऑल्सो डैश, यहाँ पे क्या आ रहा है, इट ऑल्सो रीस्टेट्स द थीसिस, मेक्स अ फाइनल डैश. टेन पे क्या आएगा जी, टेन पे क्या आएगा, इट ऑल्सो मेक्स, टेन पे क्या आएगा, सी से कमेंट. डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा लिखा, कमेंट कमेंट आएगा. व्हाट द एसेज आईडिया एंड इट में एम्फसाइज एंड डैश, ए से आएगा कुछ ही एंड डैश फॉर द रीडर टू टेक. क्या कर से एन एम्फसाइज एंड एक्शन फॉर द रीडर्स टू टेक. ओह यस, दिस इज समथिंग आई एम श्योर कि एक्टिविटी आपको सारे की सारे समझ में आ गई कि आपने कैसे कंक्लूजन लिखना है और कैसे सारे का सारा काम करना है. हम तो लोड शेडिंग से काफ़ी तंग हैं, हमारे जनरेटर्स बार बार चलते हैं, बंद हो जाते हैं और एक एक घंटे बाद हमें प्रॉब्लम से हो रही है. क्लास के शुरू में भी जनरेटर्स चले, अभी अभी गए, अभी दोबारा लाइट चले गई. तो आपके वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि PMLN ने कहा था कि वो आते ही बिजली लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, बल्कि बिजली खत्म कर दी उन्होंने. सो है आपके वहां पे लोड शेडिंग या नहीं? नहीं है, बाकियों के नहीं है, सेम इश्यूज हैं. ओके, बिजली खत्म हो चुकी है आपके भी वहां पे, उन्होंने कहा था कि, और हमने सुना, बात खत्म. हाँ जी हिम्मत, आपने बड़ी अच्छी बात कही, इस परचम के साए तले हम एक हैं. चले जी, आज पार्टिसिपेंट्स आपकी एक एक्टिविटी है इस वीकेंड के लिए. वो एक्टिविटी आप ये है कि आपके साथ एक सिंपल सा एक टास्क है आपके पास. CSS का जो कल हमारे पास पेपर हुआ है, वो पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा. आपने उसका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन किसी भी 10 essays में से और एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है और वो आपने सेंड करना है अपने ग्रुप में. आप उनकी आउटलाइंस जो हैं वो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, वो भी डेफिनेटली मार्क हम करेंगे. लेकिन फिलहाल हमारा कंसर्न ये है कि 10 essays में से कोई भी एक ऐसे लें जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बना के वो करें. मैमुना, पहले हमारी क्लास होती है, आप हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, आपकी तरफ से ये क्वेश्चन जो है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा है. तो आपको क्या फील होता है, पहले होती है तो फिर डेफिनेटली होगी, और अगर नहीं होती तो फिर आई थिंक नहीं होगी. ठीक है, ओके जी. सो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. और हाँ, एक जो है वो इस चीज को कीजिएगा, और इसको आपने कोशिश करनी है कि मंडे तक सबमिट करवा दीजिए, मंडे से क्लास के पहले पहले. ठीक है जी, सो विद दिस नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई एम श्योर कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा और इस पर जरूर काम कीजिएगा. चल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे, इन फैक्ट गुड नाइट.